और इस वक्त हमारे विरोधी वीरेश पांडे उत्तर प्रदेश विधानसभा के बाहर से हमारे साथ जुड़े। वीरेश, आज उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र ऐतिहासिक रहा और इस इतिहास को सबने बनते हुए देखा। जी देखिए रोहित जी, सबने बनते हुए इतिहास को देखा। देश के सबसे बड़े विधानमंडल उत्तर प्रदेश की इस छटा को भी दर्शक देख लें कि अंदर की तस्वीरों को आपने दिखाया, वक्ताओं की बातों को सुनाया, लेकिन इन तस्वीरों के जरिए जो जगमग करता हुआ ये विधानमंडल है, ये विधान भवन है, उससे उसकी खूबसूरती को आप देख सकें और दर्शक भी देख सकें, क्योंकि जिस तरह का इतिहास आज इस विधानमंडल में रचा गया है वो कभी देखने को नहीं मिला। और इतिहास साक्षी है कि देश में महिलाओं के लिए जो आज काम किया गया, इस देश में सबसे पहले महिला मुख्यमंत्री भी सुचेता कृपलानी के तौर पर उत्तर प्रदेश ने ही दिया था। इस देश को सबसे पहली महिला गवर्नर सरोजनी नायडू के तौर पर इस उत्तर प्रदेश ने ही दिया था। आज मातृशक्ति को प्रणाम करते हुए योगी आदित्यनाथ ने महर्षि वेद व्यास की प्रकृतियों को पढ़ते हुए, संस्कृत की भाषा को तो आपने पढ़ा, उसके मर्म को मैं बताना चाहता हूँ। माँ के समान कोई छाया नहीं, माँ के समान कोई सहारा भी नहीं, माँ के समान कोई रक्षक भी नहीं और माँ के समान कोई प्रिय भी नहीं होता है। मुझे लगता है कि मातृशक्ति के प्रति ये सम्मान हर नागरिक को होना चाहिए, मुख्यमंत्री ने बोला आज। और इस हमारे चैनल का कार्यक्रम है बात तो चुभेगी, लेकिन रोहित जी आज चुभने वाली बातें हुई नहीं और आज बड़ी संभाव से, सहृदय भाव से नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा कि आज मैं कोई ऐसी कटु बात नहीं बोलूंगा जिससे यहाँ का जायका खराब हो जाए, माहौल खराब हो जाए। और बहनों का आदर करते हुए जैसा कि सत्ता दल के नेता मुख्यमंत्री ने कहा, वैसा ही नेता प्रतिपक्ष ने ही महिमा मंडित किया मातृशक्ति को, और ओजस्वी वक्ताओं ने जिस तरीके से भाषण दिया उसका एहसास विधानसभा की ये छटा देखने से मिल रही है कि आज दिन के अंदर विधानसभा के अंदर हुआ क्या है, किस रूप में मातृशक्ति को आगे बढ़ाया है। जब से सतीश महाना विधानसभा अध्यक्ष बने हैं उन्होंने कुछ नया करने की ठानी है, बहुत सारी ऐसी मीटिंग उन्होंने की है, बहुत सारे बैठकें की हैं, महिलाओं की अलग, इंजीनियरों की अलग, व्यावसायिक जो प्रशिक्षण प्राप्त विधायक हैं उनकी अलग, बुजुर्ग विधायक हैं उनकी अलग, युवाओं की अलग, तो नएपन का एहसास कराता हुआ ये विधानसभा जिस तरह से खूबसूरत तरीके से चमक रहा है, दमक रहा है, ये इसकी खुशी का इजहार कर रहा है कि इस विधानसभा के अंदर बैठे हुए आज माननीय सदस्य और खासकर महिलाओं ने जिस तरीके से अपनी बातों को रखा, जिस तरीके से उन्हें मौका दिया गया, उससे एक इतिहास रचा गया है। उत्तर प्रदेश ने ये इतिहास रचा है और योगी सरकार के अंतर्गत सतीश महाना विधानसभा अध्यक्ष ने जो पहल की है उसकी सराहना पूरे देश में। और आज जैसा कि सुरेश खन्ना जो संसदीय कार्य मंत्री हैं उनका कहना है कि माननीय अध्यक्ष जी, कल का जो न्यूज़पेपर होगा वो आपके इस ऐतिहासिक पहल का साक्षी होगा। बिल्कुल विरेश, मैं आपके पास लौटूंगा और पूरे जो भाषण, कुछ भाषण तो हमने सुना दिए, लेकिन कई और ऐसी महिला विधायक हैं जिन्होंने अपनी बात सदन में रखी होगी, जो बात सामने नहीं है उस पर भी आपसे चर्चा करूंगा। आप हमारे साथ बने रहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।